गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं चित्रा आप सबका नवभारती स्कूल में स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 12 की से 10.4 पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अभी तक हमने क्रॉस डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर पढ़ा था, अब हम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर पढ़ेंगे। वी हैव डिस्कस्ड ऑन द थ्री डायमेंशन राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि जो राइट है थ्री डायमेंशन में पढ़ेंगे और राइट एंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से पढ़ेंगे। इन दिस सिस्टम व्हेन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज रोटेटेड, इस सिस्टम में हम क्या देखेंगे, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वो रोटेट करेगी किस तरफ, वाई एक्सिस की तरफ, ठीक है। इन ए राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम द थंब ऑफ द राइट हैंड पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो हम देखेंगे जो हमारा राइट हैंड है तो ऐसे होता है, तो ये जो थंब है ये होगी हमारी जेड एक्सिस और ये फिंगर्स है जो रोटेट कर रही है, तो ये एक्स एक्सिस और रोटेट कर रही है इस तरफ, ये हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारा थंब रूल हो गया। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो राइट हैंड का पॉइंट की जो डायरेक्शन है पॉजिटिव जेड एक्सिस होगी थंब की, फिंगर्स जो कर्ड हो रही है, ठीक है, इन डायरेक्शन अवे फ्रॉम द जेड एक्सिस टू वाई एक्सिस, ठीक है। आगे देखते हैं, डेफिनेशन है आगे। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हमने कोई दो नॉन जीरो वेक्टर ले लिए ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट दिखाना है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होती है, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से डिनोट कर देंगे। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसकी वैल्यू, इसकी क्या वैल्यू होती है, मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एंड कैप, ठीक है। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और थीटा कहां से कहां लाई कर रहा है, जीरो टू पाई, और एन कैप क्या है, यहाँ पर यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर है किस पे, बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जिसे फिगर में दे रखा है। ये हमारा ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर, ये एंगल बना रहा है थीटा ए वेक्टर बी वेक्टर से। ये कोई हमने लाइन ड्रॉ करी है इसके ऊपर परपेंडिकुलर दोनों पे, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या है, एन कैप, ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर एंड एन कैप फॉर्म में राइट हैंडेड सिस्टम, ये क्या कर रहा है, राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म कर रहा है, ठीक है। राइट हैंडेड सिस्टम रोटेटेड फ्रॉम ए वेक्टर टू बी वेक्टर मूव इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। हम क्या कर रहे हैं, ए वेक्टर को बी वेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं एन डायरेक्शन में, ठीक, एन कैप में। इफ आइदर ए वेक्टर और बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर जीरो हो जाए तो हमारा क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आएगा, जीरो। तो इसमें क्या होगा, थीटा नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। तो हमारे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आएगा, जीरो। आगे देखते हैं, ऑब्जर्वेशंस है। फर्स्ट हमारी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ए वेक्टर, कि हमारा जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है वो क्या होगा, वेक्टर होगा एक, ठीक है। सेकेंड है, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर टू नॉन जीरो वेक्टर। हमने लेट कर लिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, दो नॉन जीरो वेक्टर है, तो उनकी जो क्रॉस, उनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो क्या आएगा, जीरो। जीरो कब आएगा, जब इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जीरो कब आएगा, जब ए वेक्टर पैरेलल होगा बी वेक्टर के, ठीक है। इन पर्टिकुलर केस ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, किसी पर्टिकुलर केस में ए वेक्टर को हम ए वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो जीरो आएगा, या फिर हम क्या करेंगे, ए वेक्टर को माइनस ए वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जीरो आएगा। इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा थीटा क्या है, जीरो के इक्वल होगा या फिर थीटा पाई के इक्वल होगा, ठीक है। मेकिंग द वैल्यू ऑफ साइन थीटा टू बी जीरो, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारी, जीरो। साइन जीरो पे जीरो होता है और साइन पाई पे
क्या है, थीटा की वैल्यू जीरो, और ए क्रॉस माइनस ए यानी थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, फाइव। ठीक है, आगे देखते हैं, थर्ड पॉइंट हमारे पास इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू, थीटा पाई बाय टू होगा तो क्या आएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सॉरी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। ये तो हमारे पास थीटा क्या है, पाई बाय टू, तो हमारा क्या आएगा, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी वेक्टर साइन पाई बाय टू। अब साइन पाई बाय टू की वैल्यू क्या होती है, वन, तो हमारे पास क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, अब हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, इन व्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन सेकंड और थर्ड। अब हमने सेकंड और थर्ड जो ऑब्जर्वेशन ली है, ठीक है, उनको देखेंगे, उनसे हम देखेंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू निकालेंगे। यूनिट वेक्टर्स कौन कौन से, आई जे और के, तो हम इनको ऐसे सर्कुलर में लिख लेते हैं। ठीक है, आई जे के ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी यानी अब हम क्या करेंगे, आई कैप क्रॉस आई कैप, आई कैप को हम आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे यानी ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे तो क्या आ रहा है, जीरो। ठीक है, अब हम जे कैप क्रॉस जे कैप को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, जीरो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस कर रहे हैं तो क्या आएगा, जीरो। के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, आगे देखते हैं हम आई क्रॉस जे, हम क्या कर रहे हैं, आई को जे से क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमारा थर्ड क्या है, के के, तुम्हारा क्या आएगा, के कैप। अब हम क्या कर रहे हैं, जे कैप क्रॉस के कैप, जे को हम के से प्रोडक्ट कर रहे तो क्या बचा, आई कैप, तो यहाँ आई कैप पे बोला गया। अब हम कर रहे हैं के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप को हम आई क्रॉस आई कैप से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा हमारा, जे कैप। ये हमारे याद करने का तरीका होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मे बी गिवन एज। अब हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। ठीक है, ये होती है, यहां से हम क्या करेंगे, एंगल निकालेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कोण में मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर। अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड मोड कर देंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ ए वेक्टर मोड बी वेक्टर। ठीक है, सिक्स पॉइंट है, इट इज ऑलवेज ट्रू दैट द वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। हम देखेंगे जो वेक्टर प्रोडक्ट है यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या है, वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। और जबकि कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बट ये पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा, नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, हम देखेंगे जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है वो क्या है, ए वेक्टर मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एंड कैप। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, थीटा जो है ट्रांसफर्ड है फ्रॉम ए टू बी। अब हम अगर बीटा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, थीटा क्या होगा, ट्रांसफर्ड होगी फ्रॉम बी वेक्टर टू ए वेक्टर। तो इससे हमारे पास क्या मिल रहा है, जो एन कैप है वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ए। इसमें देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर था तब एन कैप इधर था, अब बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कर रहे तो एन कैप इस साइड आ गया, यानी एन कैप किसके इक्वल हो गया, एन वन कैप इज इक्वल टू माइनस एन कैप के इक्वल हो गया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गया। ठीक है, अब इसको हम पुट कर देते हैं, पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। अब साइन थीटा एन कैप है, एन कैप में पुट करेंगे, एन कैप की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस एन वन कैप,
पुट किया तो क्या है माइनस ए वेक्टर मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एंगल कैप, तो ये किसके इक्वल हो गया माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, इसके हम ऑब्जर्वेशंस निकालेंगे, ऑब्जर्वेशंस निकालेंगे, ये हमारा आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप, ऐसे था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जे कैप को आई कैप से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो क्या कर रहे हैं हम रिवर्स में कर रहे हैं, ये कैसे मूव कर रहा था एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जे कैप को हम आई कैप से क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं क्लॉकवाइज, तो क्या आएगा के कैप, अब हम रिवर्स में कर रहे हैं तो क्या आएगा माइनस, क्या आएगा के कैप। इसी तरीके से हम के कैप क्रॉस जे कैप को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा माइनस आई कैप, सेम इसी तरह आई कैप क्रॉस के कैप करते हैं तो क्या आएगा माइनस जे कैप। ठीक है, आगे देखते हैं, हमारा एट पॉइंट है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या कर रहा है ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड को शो कर रहा है तो उसका एरिया क्या आएगा हाफ ऑफ मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की डेफिनेशन से हमें क्या मिलेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है हमारा ए बी सी, तो 1/2 ए बी साइड इंटू में ए सी साइड सॉरी सी डी साइड। ठीक है, ये डी हमने कोई सी पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दिया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से क्या आएगा 1/2 ए बी साइड और सी डी साइड। ठीक है, अब हम सी डी ए बी की वैल्यू क्या है मोड ऑफ बी वेक्टर, सी डी की हम निकालेंगे क्या आएगा ए वेक्टर साइन थीटा, मोड ऑफ ए वेक्टर साइन थीटा पुट कर देंगे इधर, पुट करेंगे तो क्या आएगा 1/2 मोड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर साइन थीटा, ये जिसकी वैल्यू होगी 1/2 मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या कर रहा है पैरेललोग्राम की साइड को शो कर रहा है तो एरिया क्या आएगा उसका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है ए बी इंटू में डी, ये डी से हमें क्या करा एक परपेंडिकुलर डाल दिया तो हमारा क्या हुआ ए बी इंटू में डी, तो हमारे पास ए बी क्या है मोड ऑफ बी वेक्टर, डी निकाल लेंगे ए वेक्टर इंटू में मोड ऑफ ए वेक्टर इंटू में साइन थीटा, वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हमारे पास प्रॉपर्टी है थर्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वेक्टर की एडिशन प्रॉपर्टी के अलावा। ठीक है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर एनी थ्री वेक्टर्स, यदि हमारे पास कोई तीन वेक्टर दे दिए ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है, और लैम्डा दे दिया हमारे को स्केलर, लैम्डा है हमारे पास स्केलर। ठीक है, तो हमें क्या करना है डिस्ट्रीब्यूटिव एडिशन प्रॉपर्टी शो करना है वेक्टर प्रोडक्ट की, तो क्या करेंगे ए वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, हम क्या करेंगे इसको खोलेंगे ए वेक्टर को पहले बी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस अब ए वेक्टर को सी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड हमारे पास लैम्डा ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, अब हम क्या करेंगे लैम्डा को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, लैम्डा ए वेक्टर फिर हम इसको बी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, या फिर हम क्या करेंगे इसको ए वेक्टर क्रॉस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, अब हम देखते हैं लेट करते हैं, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर टू वेक्टर गिवन इन कंपोनेंट्स, तो ए वेक्टर क्या है हमारे पास ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। ठीक है, और बी वेक्टर क्या है हमारे पास बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। अब हम क्या करेंगे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या शो करना हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को आई कैप जे कैप के कैप
a1 a2 a3 b1 b2 b3 ये हमें शो करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे शो करना है इसको। हमारे पास है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। a वेक्टर क्या है हमारे पास, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। b वेक्टर क्या है हमारे पास, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ये वैल्यूज है। अब हम क्या करेंगे, a वेक्टर को b वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, a1 i कैप को b1 i कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो क्या आएगा, a1 b1 i कैप क्रॉस i कैप। फिर हम a1 i कैप को b2 j से करेंगे, तो क्या आएगा, a1 b2 i कैप क्रॉस j कैप। सेम इसी तरह आएगा a1 b3 i कैप क्रॉस k कैप। अब हम a2 j कैप को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, a2 b1 j कैप क्रॉस i कैप, a2 b2 j कैप क्रॉस j कैप, a2 b3 j कैप क्रॉस k कैप। अब हम a3 कैप को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, a3 b1 k कैप क्रॉस i कैप, a3 b2 k कैप क्रॉस j कैप प्लस a3 b3 k कैप क्रॉस k कैप, ठीक है। ये आया। अब हम देखेंगे यहां पर कि a1 b1 i कैप क्रॉस i कैप, यानी i कैप क्रॉस i कैप किसके इक्वल होता है, जीरो के। j कैप क्रॉस j कैप ये भी किसके इक्वल होता है, जीरो के। और k कैप क्रॉस k कैप ये भी किसके इक्वल होता है, जीरो के। हमें इसको फिर से देखते हैं, i कैप अब हम देखते हैं, i कैप क्रॉस i कैप जीरो होता है, j कैप क्रॉस j कैप भी जीरो होता है, k कैप क्रॉस k कैप वो भी जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये वाली टर्म जीरो हो गई, ये वाली टर्म भी जीरो हो गई, और ये वाली टर्म भी हमारी जीरो हो गई, ठीक है। अब इसके अलावा हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या बच गई टर्म, a1 b2 i कैप क्रॉस j कैप, ठीक है, प्लस a1 b3 i कैप क्रॉस k कैप। i कैप क्रॉस k कैप किसके इक्वल होता है, माइनस k कैप क्रॉस i कैप। तो यहां लिख देंगे माइनस, माइनस इधर आ जाएगा, माइनस k कैप क्रॉस i कैप प्लस। अब कौन सी टर्म है हमारे पास, a1 b3 i कैप क्रॉस k कैप वाली टर्म हो गई, a2 b1 j कैप क्रॉस i कैप। j कैप क्रॉस i कैप किसके बराबर होता है, माइनस i कैप क्रॉस j कैप। तो यहां पर क्या आएगा, माइनस i कैप क्रॉस j कैप, ठीक है। a2 प्लस a2 b3 j कैप क्रॉस k कैप, j कैप क्रॉस k कैप। अब आगे आगे a3 b1 k कैप क्रॉस i कैप, k कैप क्रॉस i कैप, k कैप क्रॉस i कैप। नेक्स्ट है हमारे पास a3 b2 k कैप क्रॉस j कैप, k कैप क्रॉस j कैप इसके इक्वल होता है, माइनस j कैप क्रॉस k कैप। यहां आ जाएगा माइनस j कैप क्रॉस k कैप, यही वाली टर्म हमने यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, i कैप क्रॉस j कैप, i कैप क्रॉस j कैप किसके इक्वल होता है हमारा, k कैप के। i कैप क्रॉस j कैप k कैप के इक्वल होता है, j कैप क्रॉस k कैप किसके इक्वल होता है, i कैप के। और k कैप क्रॉस i कैप किसके इक्वल होता है हमारा, j कैप के, ठीक है। तो इससे हम वैल्यूज, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। यहां पर देखो a1 b2 i कैप क्रॉस j कैप, i कैप क्रॉस j कैप किसके इक्वल होता है, k
के कैप थे तो के कैप पुट करेंगे तो क्या ए वन बी टू के कैप माइनस ए वन बी थ्री के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप किसके इक्वल है जे कैप के, तो जे कैप पुट कर दिया माइनस ए टू बी वन आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप के इक्वल होता है तो यहां पर के कैप पुट कर दिया ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे ए टू बी थ्री, ए टू बी थ्री जे कैप क्रॉस के कैप इसके इक्वल होता है आई कैप के तो यहाँ आई कैप पुट कर देंगे ए थ्री बी वन के कैप क्रॉस आई कैप इसके इक्वल होता है जे कैप के तो यहाँ पर जे कैप पुट कर दिया ए थ्री बी टू जे कैप क्रॉस के कैप इसके इक्वल होता है आई कैप के तो वाली क्वेश्चन आ गई ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस वाले टर्म में से ये वाले टर्म और ये वाले टर्म इसमें से आई कैप कॉमन कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू आई कैप इस वाले टर्म से और इस वाले टर्म से हम जे कैप कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा माइनस ए वन बी थ्री माइनस ए थ्री बी वन जे कैप इसमें से और इसमें से के कैप कॉमन ले लेंगे तो ये वाली क्वेश्चन आ जाएगी ये वाली टर्म आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे इसको आई कैप जे कैप के कैप ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री हमें यही प्रूव करना था ए क्रैप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप इज ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री ठीक है यही प्रूव करना था ये हमने प्रूव कर दिया। आगे देखते हैं फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस थ्री के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू थ्री आई कैप प्लस फाइव जे कैप माइनस टू के कैप ठीक है। तो हम लिख लेते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस थ्री के कैप यानी किसके इक्वल हो जाएगा ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप यानी ए वन की वैल्यू क्या होगी टू ए टू की वन ए थ्री की के इसी तरीके से बी वेक्टर लिख लेंगे बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप और बी वन किसके इक्वल है बी कैप बी वेक्टर थ्री आई कैप प्लस फाइव जे कैप माइनस टू के कैप। अब हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप मोड़ लगा देंगे इसके ए वन ए वन की वैल्यू क्या है टू मतलब फॉर्मूला लिख लेते हैं ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री अब वैल्यूज पुट कर देंगे मोड ऑफ आई कैप जे कैप के कैप ए वन ए टू ए थ्री की वैल्यू क्या है टू वन थ्री बी वन बी टू बी थ्री की थ्री फाइव माइनस टू। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप अब इस वाले रो को इस कॉलम को छोड़ देंगे बाकी वाले टर्म लिख देंगे वन थ्री फाइव माइनस टू माइनस जे कैप फर्स्ट रो को और सेकेंड कॉलम को छोड़ देंगे बाकी वाले टर्म लिख देंगे टू थ्री थ्री माइनस टू प्लस के कैप फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे बाकी टर्म लिख देंगे टू वन थ्री फाइव ठीक है ये हमारी इक्वेशन आ गई। आगे लिखते हैं इसको सॉल्व करेंगे आई कैप वन को माइनस टू से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस टू माइनस थ्री को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे फिफ्टी माइनस जे कैप टू को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फोर माइनस थ्री को थ्री से करेंगे नाइन प्लस के कैप टू को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे टेन माइनस थ्री को वन से करेंगे थ्री। आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको माइनस टू माइनस फिफ्टीन यानी माइनस सेवनटीन आई कैप माइनस माइनस फोर माइनस नाइन यानी माइनस थर्टीन जे कैप प्लस टेन माइनस थ्री यानी सेवन के कैप माइनस सेवनटीन आई कैप
माइनस माइनस का देगा प्लस 13 जे कैप प्लस 7 के कैप। अब हमें क्या करना है, मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करना है। तो हमें क्या करेंगे, 17 का होल स्क्वायर माइनस 17 का होल स्क्वायर प्लस 13 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आया हमारे पास। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रूट 507। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, वेयर ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर का परपेंडिकुलर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये वेक्टर की वैल्यू होगी, प्लस बी वेक्टर की वैल्यू, आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप इज इक्वल टू आई कैप प्लस आई कैप यानी टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू जे कैप यानी थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस थ्री के कैप इज इक्वल टू आई कैप से आई कैप कैसे माइनस जे कैप माइनस टू के कैप। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप मोड ए वन ए टू की वैल्यू हो जाएगी टू थ्री फोर, बी वन बी टू बी थ्री की जीरो माइनस वन माइनस टू। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आई कैप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे थ्री फोर माइनस वन माइनस टू माइनस जे कैप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे टू फोर जीरो माइनस टू प्लस के कैप फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे टू थ्री जीरो माइनस वन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आई कैप थ्री इंटू में माइनस टू माइनस सिक्स माइनस माइनस वन इंटू में फोर यानी प्लस फोर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस जे कैप टू इंटू माइनस टू माइनस फोर माइनस फोर इंटू में जीरो जीरो प्लस के कैप टू इंटू में माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री इंटू में जीरो यानी माइनस जीरो माइनस सिक्स प्लस फोर यानी माइनस टू आई कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फोर जे कैप माइनस टू के कैप। अब हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। अब हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, उससे पहले हम क्या करते हैं, सी वेक्टर ले लेते हैं। सी वेक्टर किसको लिया हमने, इसको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये हमने लेट कर लिया। तो इसके इक्वल है वाली वैल्यू माइनस टू आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस टू के कैप। ठीक है, अब हम इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है, सी कैप इज इक्वल टू सी वेक्टर मोड ऑफ सी वेक्टर। ठीक है, इज इक्वल टू सी वेक्टर माइनस टू आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस टू के कैप अपॉन में मोड ऑफ सी कैप यानी सी वेक्टर माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस फोर का होल स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस टू आई कैप
प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप अपॉन में रूट 4 प्लस 16 प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप अपॉन में 24 रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रूट 24 क्या होता है, 2 root 6। तो हम इसको पुट कर देंगे, 2 root 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आई कैप अपॉन में रूट 6 प्लस 2j कैप अपॉन में रूट 6 माइनस k कैप अपॉन में रूट 6। ये इसका यूनिट वेक्टर आ गया, ये आंसर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग द पॉइंट्स ए बी सी। ए बी सी पॉइंट दे दिए, अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। पहले हम ए बी वेक्टर निकालेंगे, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर क्या निकलेगा हमारे पास, एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप। अब ए बी के लिए ये एक्स टू वाई टू जेड टू एक्स वन वाई वन जेड वन, तो हम पुट करेंगे एक्स टू की वैल्यू क्या 1 माइनस एक्स वन की वैल्यू 1 आई कैप प्लस वाई टू की वैल्यू 2 माइनस वाई वन की वैल्यू 1 जे कैप प्लस जेड टू की वैल्यू 3 माइनस जेड वन की वैल्यू 1 के कैप। हमारे पास क्या आया, जे कैप प्लस 2 के कैप, ये भी वेक्टर आ गया। अब हम ए सी वेक्टर निकालेंगे, ए सी वेक्टर, इसी तरीके से हमारे पास ए सी वेक्टर आ जाएगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर निकालेंगे, मोड ऑफ आई कैप जे कैप के कैप। ए वन की वैल्यू क्या है 0, ए टू 1, ए थ्री 2, बी वन 1, बी टू 2, बी थ्री 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आई कैप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे 1 2 2 0 माइनस जे कैप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे 0 2 1 0 प्लस ए कैप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे 0 1 1 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आई कैप 1 को 0 से करेंगे 0 माइनस 2 टू जा 4 माइनस जे कैप 0 माइनस 2 प्लस के 0 माइनस 1। ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर किसके इक्वल आया, माइनस 4 आई कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 मोड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। ठीक है, तो हम अब निकालेंगे मोड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर यानी इक्वल में रूट ऑफ माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 16 प्लस 4
ऊपर पुट कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल में। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा हमारे पास, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल रूट 21 अपॉन में 2। ठीक है, इसका आंसर आ गया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हिच एडजेसेंट साइड्स आर बाय द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, तो हम पहले निकालेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे पहले, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप। ए वन क्या है 3, ए टू 1, ए 3 4, बी 1 1, बी 2 माइनस 1, बी 3 1। सिंप्लीफाई करेंगे आई कैप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे 1 4 माइनस 1 1 माइनस जे कैप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे 3 4 1 1 प्लस के कैप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे 3 1 1 माइनस 1। सिंप्लीफाई करें इसको आई कैप 1 क्रॉस 1 1 इंटू में 1 1 माइनस माइनस 1 इंटू में 4 यानी माइनस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस जे 3 इंटू में 1 3 माइनस 4 प्लस के कैप माइनस 3 माइनस 1 5 आई कैप माइनस माइनस प्लस जे कैप माइनस 4 के कैप। इसका मोड निकालेंगे मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर। 5 का होल स्क्वायर इन 25 प्लस 1 प्लस 16। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा रूट 42। ये हमारे क्या आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सेम इसी तरह हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने। आज की एक्सरसाइज यहीं पर ही समाप्त होती है। धन्यवाद।